हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं शिवम अपने यूट्यूब चैनल कैप्टन शिवम पे स्वागत करता हूं। दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एंड्रॉइड मोबाइल के फ्रंट कैमरा से रिलेटेड एक ऐसी कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूं, जिस ट्रिक का यूज कर लेते हो और अपने मोबाइल फोन पर अप्लाई कर लेते हो तो आप तो बहुत ही खुश हो जाओगे और आपके दोस्त लोग तो पूछने पर मजबूर हो जाएंगे। हाँ दोस्तों, अगर आप भी एक एंड्रॉइड मोबाइल यूज करते हो तो आप इस वीडियो को पूरा का पूरा देखते रहिए। इस वीडियो के अंदर हम आपको एक ऐसी ही कमाल की ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ, जिसे दोस्तों अगर आप अप्लाई कर लेते हो तो आप सबकी पोल खोल सकते हो। हाँ दोस्तों, अगर आप भी सोच रहे हैं कि पोल कैसे खोल सकते हैं तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। जैसे दोस्तों आप भी अपना मोबाइल फोन चार्जिंग में लगा देते हैं या दोस्तों आप कहीं पर रख देते हैं और आपके मोबाइल फोन को कोई भी बंदा ले लेता है और आपके मोबाइल फोन पर छेड़छाड़ करने लगता है, तो ये कैमरा बताएगा कि आपके मोबाइल फोन पर क्या किया गया है और किस बंदे ने किया है उसकी फोटो भी बताएगा। अगर दोस्तों आपका मोबाइल फोन कोई भी कहीं पर लेके चला जाता है तो दोस्तों यही कैमरा बताएगा कि आखिरकार वह बंदा कहां पे है, किस जगह पे है और आपका मोबाइल फोन कौन बंदा लिए हुए है, उसका फोटो आएगा, उसकी लोकेशन आएगी। तो दोस्तों अगर आप इस ट्रिक को यूज करना चाहते हो अपने मोबाइल फोन पर तो दोस्तों आप कैसे कर पाओगे, वैसे दोस्तों ये ट्रिक आपके लिए हमेशा यूजफुल बनी रहेगी, क्योंकि दोस्तों आप भी महंगे से महंगे फोन यूज करते हैं और अगर आप इस ट्रिक को उस पर यूज कर देते हैं तो आपका मोबाइल फोन चोरी होने के बावजूद भी मिल जाएगा अगर आप इस ट्रिक को अपने मोबाइल फोन पर फॉलो कर लेते हैं। तो दोस्तों आप कैसे कर पाएंगे ये सारी के सारी ट्रिक और अपने इस फ्रंट कैमरा में क्या करेंगे कि जो सब ऐसा होगा और हमें पता चल जाएगा, तो इसके लिए आपको करना क्या पड़ेगा, जो वीडियो आप देख रहे हो सबसे पहले आपको उसको लाइक कर देना है। सबसे पहले आपको यहां से वीडियो को लाइक कर देना है। लाइक करने के बाद चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में आएगा बेल आइकन घंटा, आप उस पर टच करके ऑल पे सेट कर लीजिए। इतना काम करने के बाद ये वीडियो आपको जैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताना। या दोस्तों आप यहां पे नाइस वीडियो, सुपर वीडियो या दोस्तों आप यूजफुल वीडियो लिख के सेंड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो मैंने यहां पे इंस्टाग्राम की लिंक यहां पे दे दी है, आप वहां पे हमें जाकर फॉलो कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो अब दोस्तों मैं आपको बताता हूं कि आखिरकार करना क्या पड़ेगा। तो इसके लिए तो आपको एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा, उस एप्लीकेशन की लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद आपको करना क्या है, उसे ओपन करना। ओपन करने के बाद यहां से आपको इस एरो पे क्लिक करना। एरो पे क्लिक करने के बाद यहां पे आपको करना क्या है, यहां पे एक्टिवेट नाउ पे क्लिक करना। तो जैसे ही दोस्तों आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको देखने को मिलेगा अटेम्प्ट लिमिट, यानी कि आपको इस पे क्लिक करना और यहां पे आपको फर्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट पे क्लिक करोगे उसके बाद आपको नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करने के बाद यहां से आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको फिर से आपको नेक्स्ट कर देना है। बस दोस्तों आपको इतना काम करने के बाद यहां से आपको एक्टिवेट कर देना है। एक्टिवेट करने के बाद यहां पे अपना एक ईमेल आईडी डाल देना है, जो भी आप अपने ईमेल आईडी यहां पे डालना चाहते हैं आपके मोबाइल फोन पर एक्टिवेट हो तो आपको यहां पे वो ईमेल आईडी डाल देना है। जैसे मैं यहां पे अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूं। डालने के बाद आपको करना क्या है, यहां पे आपको एक्टिवेट पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप एक्टिवेट पे क्लिक करोगे तो यहां से आपकी ईमेल आईडी ऐड हो जाएगी। होने के बाद यहां से आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहां से आपको परमिशन दे देना है। जैसे दोस्तों आप इसे परमिशन दे दोगे, बस दोस्तों इतना काम करने के बाद इस एप्लीकेशन का काम हो गया। अब दोस्तों क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। जैसे दोस्तों आप इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल फोन पर इतना सेटअप कर लेते हो इस एप्लीकेशन के अंदर, दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन पर पैटर्न लॉक तो लगा के रखते ही होंगे, यानी कि आप भी अपने मोबाइल फोन पर पैटर्न लगाते होंगे। लगाने के बाद अगर आप अपना फोन कहीं पर भी रख देते हैं या दोस्तों आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, बाय चांस आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है, तो अपने मोबाइल फोन को आप पता लगा सकते हो कि आखिरकार हमारा मोबाइल फोन कौन बंदा लिए है और किस जगह पर है, पूरा का पूरा आपको पता चल जाएगा। अगर दोस्तों आप अपना मोबाइल फोन कहीं घर पर रख के चले जाते हैं या चार्जिंग में लगा के चले जाते हैं तो वो भी आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे मोबाइल फोन पर क्या छेड़छाड़ हुई है और किस बंदे ने की है। कैसे पता लगेगा, जैसे दोस्तों आप अपने मोबाइल फोन पर पैटर्न लॉक लगाते होंगे, लगाने के बाद क्योंकि उस बंदे को पैटर्न लॉक तो पता नहीं होगा, जो बंदा आपका मोबाइल फोन लेगा और आपके मोबाइल फोन पर कुछ भी करना चाहेगा तो उसको पैटर्न लॉक तो पता नहीं होगा, तो वो दोस्तों यहां पे एक या दो बार तो रॉन्ग पासवर्ड डालेगा ही। जब वो रॉन्ग पासवर्ड डालेगा तो क्या होगा कि आपका फ्रंट कैमरा उसका फोटो एक कैप्चा कर लेगा। कैप्चा करने के बाद उसकी लोकेशन की भी डिटेल्स आपको भेज देगा आपके उसी ईमेल आईडी पर, जिस ईमेल आईडी को यहां पे ऐड किया है। तो दोस्तों मैं यहां पे आपको दिखा देता हूं। जैसे मैंने यहां पे एक गलत पासवर्ड डाल दिया, डालने के बाद मैं यहां पे अपना सही पासवर्ड डाल देता हूं। डालने के बाद अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूं कि ईमेल आईडी पर वो हमारी फोटो, यानी कि जिस बंदे ने ये हमारा मोबाइल फोन अनलॉक करने की कोशिश की है उसकी फोटो आएगी। फोन के बाद उसकी लोकेशन भी आएगी हमारे पास। तो इसे मैंने अपने यहाँ पे जीमेल ओपन की। ओपन करने के बाद दोस्तों अब यहाँ पे हमें एक मैसेज आ जाएगा। जैसा दोस्तों मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ से दोस्तों आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमको तीन अलर्ट आ चुके हैं। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं 12:34 हुआ है, यहाँ पे हमको 12:34 पर दो अलर्ट आ चुके हैं। मैंने यहाँ पे दो बार अपने मोबाइल फोन पर इनकरेक्ट पासवर्ड डाला था। अब दोस्तों आपको करना क्या, इसे ओपन करना। ओपन करने के बाद अब दोस्तों यहाँ पे आपको उस बंदे की फोटो देखने को मिल जाएगी जिस बंदा आपके मोबाइल फोन को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था। दोस्तों हम यहां पे दोस्तों देख सकते हैं यहां पे हमको वो फोटो भी देखने को मिल जाएगी, यानी कि जो अभी हमारी फोटो है। और उसके बाद यहां से आपका गूगल मैप देखने को मिल जाएगा, यानी कि वह बंदा अभी किस जगह पर है उसका पूरा का पूरा एड्रेस देखने को मिल जाएगा। दोस्तों आपको इस एप्लीकेशन को हमेशा अपने मोबाइल फोन पर रखना है। यह एप्लीकेशन आपके लिए इतना यूजफुल है, बाय चांस आपका मोबाइल फोन चोरी हो जाता है तो भी आप पता लगा सकते हो इस एप्लीकेशन की मदद से। दोस्तों
आपके ईमेल आईडी पर पूरा का पूरा उसका फोटो और एड्रेस भेज दिया जाता है और वहां से आप उसे ट्रैक कर सकते हैं कि आखिरकार हमारा मोबाइल किस जगह पर है। दोस्तों इस एप्लीकेशन को आपको हमेशा यूज करके रखना है और अपने मोबाइल फोन पर एक्टिवेट करके रखना है, क्योंकि ये एप्लीकेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल है और आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।